अस्सलामुअलैकुम। आज एक छोटी सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग जब काम करते हैं ना, तो काम हम कर रहे होते हैं एक्सेल शीट पे, पहले करते थे ज़्यादा, फिर करते हैं गूगल शीट पे। ऑनलाइन गूगल शीट तकरीबन हर बंदा ही जानता है, लाइक एक्सेल ही है, ठीक है, कई बंदे नहीं जानते। सो यहाँ ये कि आप एक ही शीट पर कई बंदे एट अ टाइम काम कर सकते हैं, और जस्ट आपने कोई भी फॉरन, ये मैंने लिखा है, ये यहाँ पर आप देखिएगा, इस जगह पर लास्ट एडिट वाज सेकंड अगो, ठीक है, फौरन उसी वक्त सेव हो जाती है। हम कोई भी चीज़ करते हैं, ऑनलाइन चल रही होती है गूगल शीट, ठीक है। इसमें आपको बताने की ये चीज़ थी कि सेम लाइक एक्सेल है, एक्सेल में जो चीज़ लगती है या फार्मूलाज लगते हैं, जो चीज़ होती है, ये सेम वही चीज़ है। बस इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये शेयर कैसे करते हैं। अक्सर आपके पास अगर काम आया है, या आपको मैंने फाइल, आपने किसी को शेयर करनी है, देन आप ये फ़ाइल शेयर कैसे करेंगे कि कोई इस पर आके आपका साथ काम कैसे कर सकता है, ठीक है, एक्सेस कैसे कर सकता है। सो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये शेयर कैसे करते हैं, और देन उसको, जिसको आप बंदे को शेयर कर रहे हैं, वो एक्सेस कैसे करेगा, ठीक है, ईमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखिए, यहाँ ऑप्शन है शेयर का, आपकी आईडी तो लगी हुई है ना, आप ऑनर हैं, आपने चला के बैठे हैं, आपकी चल रही है, आपके गूगल ड्राइव में पड़ी है ये शीट जो है, उसको आप शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे। ये वो बंदे हैं जिनको मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। यहाँ ऐड पीपल एंड ग्रुप्स, ठीक है, यहाँ मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी जो है वो दे देता हूँ। मैंने ईमेल आईडी दी, यहाँ मैं मैसेज भी लिखना चाहूँ, अगर जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ कोई मैसेज लिख सकता हूँ, कि ताकि अगले को नोटिफाई हो जाए, क्योंकि उसके ईमेल में जाएगी, ठीक है, ईमेल से ही वो कर सकता है। एक चीज़ और, यहाँ से आप इसको एक्सेस दे सकते हैं कि यहाँ कमेंटर हो, जिसको आप शेयर कर रहे हैं जस्ट कमेंट कर सकता है, या एडिटर है, इसको एडिट कर सकता है, फाइल को चेंज कर सकता है, इसमें डाटा ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सब कुछ। व्यूअर हो, या सिर्फ वो व्यू कर सकता है, उसके पास कोई एक्सेस नहीं, वो उसको डाटा नहीं निकाल सकता, कुछ भी नहीं उसके साथ कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। सो हमें तो एडिटर ही चाहिए, बिकॉज हमने फाइल में काम करना है, इसलिए हम शेयर करते हैं, और 10 बंदे एक ही शीट पर हम काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ टैब्स बना लेते हैं। सो हम इसको करेंगे सेंड, ठीक है। अब पर्सन एडिट, ठीक है, यहाँ से आ रहा है कि शेयर्ड विद, ये आ गया, ठीक है। हम उस ईमेल एड्रेस पे जाएंगे जिसको हमने शेयर किया। ये आप लोग एक ईमेल देख रहे हैं, ये ईमेल अगर यहाँ इनविटेशन आ रहा है, आया ईमेल का, प्रैक्टिस फाइल इनविटेशन टू एडिट, पहले नेम आएगा जो फाइल शेयर की गई है, उसका इनवाइट आएगा इनविटेशन टू एडिट। अब मुझे ये कह रहा है प्रैक्टिस फाइल, उसका नाम आ गया ओपन शीट्स। अब इस ईमेल एड्रेस से मैंने इसको खोल लिया है, ठीक है, सॉरी मैं अभी ये चेंज कर देता हूँ, ईमेल आईडी चेंज की, अब यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, अब मेरी आईडी भी चेंज होगी, जिस पर मैंने शेयर किया वहाँ से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर इसको मैं किसी और आईडी से एक्सेस करना चाहूँ, ये नहीं होगी, यहाँ मेरी पहले वाली आईडी थी, आप लोग देख रहे हैं, ये सेकंड आईडी ऑनलाइन आ गई है वहाँ, यानी कि दोनों आईडीज़ पर मेरी शीट खुली हुई है। सो अगर मैं यहाँ इसको कहता हूँ कि इस ईमेल एड्रेस से मैं खोलना चाह रहा हूँ, लेकिन आई डोंट हैव एक्सेस फॉर दिस, तो कह रहा है एक्सेस करें, रिक्वेस्ट एक्सेस, रिक्वेस्ट करें। अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा, देन मुझे ईमेल आएगा फर्स्ट वन पे, जो पहले मेरी आईडी जो ऑनर है इस गूगल शीट की, तो वहाँ से अगर मैं अलाउ करूँगा तो एक्सेस मिलेगी इस आईडी पे, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। सिंपल सा शेयर करने का तरीकाकार, और इधर से दूसरा, अगर आप किसी को डायरेक्ट शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, आपके पास एक और ऑप्शन है, शेयर के बटन पर दबाएँ, ठीक है, नीचे आता है यहाँ पर ऑप्शन गेट लिंक, ठीक है, यहाँ पे आप कॉपी लिंक करेंगे, लिंक कॉपीड, आप इसको किसी को भी ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, मैसेज में भेज दें, यहाँ आप हैंगआउट पे सेंड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से किसी को भी भेज देते हैं, देन उसके पास एक्सेस होगी कि वो इस ईमेल के थ्रू ही, सॉरी इस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इस लिंक को हम खोलेंगे, जिसके पास भी लिंक होगा वो लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये शेयर करने का तरीका, फ़ाइल आप कभी भी शेयर करनी पड़े और उसको फिर एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे एक्सेस, या आप उसको शेयर कैसे करेंगे, उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और चीज़ आपको सिखाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।